जय श्री राम। आज का हमारा भजन है हनुमान को खुश करना आसान होता है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक पहुंच सके। मैं आपको ए शार्प स्केल्स दिखाऊंगी। ये सा रहेगा, ये रे, इसमें ग नहीं लगेगा, ये म प ध नी कोमल लगेगा और ये सा। तार सप्तक में रे भी लगेगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं स्थाई से। स्टार्टिंग जो होगी वो हमारी ध से स्टार्ट होगी। ध से सिर्फ टच है, ध्यान से देखिए। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, ध्यान से देखिए स्वर लिपि के साथ। सिंदूर धसा सा सा चढ़ाने सा सा रे रे से रे सा सा नी से हर काम नी ध प सा हर काम होता है। होता में हो पे हम थोड़ा रुकेंगे। होता है, एक बार और यही लाइन एक बार और हम गाएंगे। सिंदूर चढ़ाने से, इसमें से थोड़ा सा चेंज है। सिंदूर ये सेम है। धसा सा सा चढ़ाने सा सा रे रे से सानी नी हर काम नी ध प सा होता है सानी ध। इसमें जो से है ना वो आप सीधा सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है। खाली रे सा नी भी आप ले सकते हैं। देखिए सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान धधा पधा प को खुश करना मा 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 प आसान परे प होता है प प म। इसके बाद यही लाइन एक बार और रिपीट होगी। हनुमान थोड़ा सा चेंज है, देखिए। हनुमान को खुश करना आसान होता है, इसमें हनुमान देखिए कैसे है। हनुमान ध ध ध प को प खुश करना मा मा प खुश करना आसान परे प होता है प प म। ठीक है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है। उसके बाद रिपीट हो जाएगा सिंदूर चढ़ाने से। इसमें से थोड़ा सा चेंज है, देखिए। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, इसमें से कैसे है, सीधा रे नी, ठीक है। सिंदूर धसा सा सा चढ़ाने सा सा रे रे से रे नी हर काम नी ध प सा होता है सा नी ध। इसके बाद यही लाइन एक बार और रिपीट होगी कोरस में। सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है, इसमें होता सानी की जगह क्या हो गया, होता नी सानी है। ओके, इसके बाद वही रिपीट हो जाएगा। हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। Thank you.
इसके बाद आप अंतरा उठाएंगे। अंतरे से पहले आप यही लाइन जैसे मैंने अभी प्ले किया ना, हनुमान को खुश करना आसान होता है, ये आप दो बार प्ले करिए, सिर्फ बजाइए और उसके बाद आप अंतरा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अंतरा ध से उठेगा, कर ले भजन दिल से, ठीक है। ये हमारा अंतरा है, सेम ध से स्टार्ट हो रहा है। आपको मैं स्लो स्लो बताती हूँ नोटेशन के साथ, स्टेप बाय स्टेप। कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, स्लो देखिए, कर ले ध सा सा भजन सा सारे दिल से, रे रे नी हनुमान नी ध प सा हनुमान प्यारे का सा नी ध। इसके बाद यही लाइन एक बार और रिपीट होती है, कर ले भजन दिल से हनुमान प्यारे का, इसमें से और प्यारे चेंज हो जाएगा सेकेंड लाइन में, बहुत माइनर चेंज है, देखिए। कर ले भजन दिल से कैसे है, रे सानी हनुमान नी ध प सा प्यारे का नी सा नी ध। इसकी जो नेक्स्ट लाइन है उसकी नोटेशन बिल्कुल ऐसी ही बजेगी जैसे मैंने आपको फर्स्ट लाइन बताई है, देखिए। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, जिसको धसा सा भरोसा सा सारे है, रेनी अंजनी नीधपा दुलारे का दुलारे का ससानी धा। जिसको भरोसा है अंजनी दुलारे का, इसमें भी थोड़ा सा चेंज है, अंजनी नीधपा दुलारे सानी सानी का धा। आइए इसके आगे देखते हैं अब ध से, वहाँ आनंद है जहाँ इनका गुणगान होता है, वहाँ ध आनंद ध ध है प जहाँ इनका प म म प गुणगान परी प होता है प प म। इसके बाद आपका रिपीट हो जाएगा, सिंदूर चराने से हर काम होता है, सिंदूर चराने से हर काम होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। इसके जो बाकी अंतरे हैं सेम नोटेशन रहेगी, बिल्कुल सेम, बहुत इजी भजन है प्ले करने में और बहुत ही अच्छा। हनुमान जी का भजन श्री राम के बिना अधूरा है, तो इस भजन की जो एंडिंग होती है वो भी जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 इससे होती है, ये पार्ट आपका रिपीट होता है। तो आइए इसको मैं आपको बताती हूँ कैसे बजाना है। जय जय राम राम राम, जय जय राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय मा पा राम राम, धा प राम ध सा, जय जय धाम राम राम राम, पाम पाम सीता सा सा राम राम राम, पाम पाम पद सीता राम राम राम, सीता परे राम राम राम, मारे मारे मा। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कीप सपोर्टिंग गाइज़।